हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको भरवां शिमला मिर्च की रेसिपी बता रही हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। आप देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने 3 बड़े आलू को बॉईल कर लिया है, उनको बॉईल करके छील कर और ऐसे मैश कर लिया है, हाथ से ही मैश किया है। ये गरम मसाला है जो मैं 1/4 टीस्पून यूज करने वाली हूँ। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉरी जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। 1 मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, कुछ धनिया की पत्तियों को धोकर मैंने बारीक काट लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट है। मैंने केवल 2 बड़ी शिमला मिर्च ली हैं जिनसे मैं आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। ऑयल है तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पैन को हमने गरम कर लिया है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें मैं ये जीरा डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसके मैं प्याज डाल दूंगी। और इसको हल्का ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। प्याज हल्का पिंक हो गया है, मतलब हमें ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। मैं हल्दी इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। जीरा पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं और सॉल्ट टू टेस्ट। हरी मिर्च भी आप काट कर बारीक डाल सकते हैं। बस कुछ ही सेकंड के लिए हमें ये मसाले को भूनना है, अदरवाइज ये जल जाएगा। और इसमें हम साथ में ही आलू डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपके लिए ये डिफरेंट रेसिपीज ला रही हूँ और आप सब मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसी को देखते हुए मैं इसको रेगुलर रखने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहें। ये देखिए ऐसे हमने इसको मिक्स कर लिया है, रेड चिली से इसका कलर अच्छा आ गया है। हमें इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि वो आलू का अंदर से कच्चा कच्चा टेस्ट ना रहे। वैसे कुछ लोग इसको बिना ऐसे ऑयल में किए भी सिंपल आलू के मसाले से बना लेते हैं। आलू की सूखी सब्जी अगर आपकी बच गई है और नेक्स्ट डे आपको करना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप शिमला मिर्च में उसको भरकर यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही मसाला बनाना है, इट्स अप टू योर चॉइस। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून गया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ये शिमला मिर्च को हम यहाँ ऊपर से ऐसे कट कर लेंगे, ये इजी तरीका है इसको ऐसे बीच में से बीज को रिमूव करने का। देखिए इस टाइप से ये पूरी शिमला मिर्च खाली हो गई है। और अब जो हमने ये ठंडी आलू की पिट्ठी की है इसको हम इसमें भर लेंगे। ये देखिए ये आलू की पिट्ठी तैयार है जो ठंडी हो चुकी है, इसको मैं अब इसमें भरूंगी और इसको अच्छे से हम इसको प्रेस करके भरेंगे। ये हमने अच्छे से भर लिया है, इसमें मैंने बीच में धनिया नहीं डाला है, कुछ आप बीच में भी डाल सकते हैं, ऊपर से तो हम डेकोरेट करेंगे ही। ऐसे ये धनिया डालने के बाद आलू हमने इसमें डाल लिया है और इसको भी हम इसी टाइप से टाइट भर लेंगे। अब हम इन शिमला मिर्च के ऐसे यहां रख के ऐसे रिंग्स काट लेंगे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूं, बहुत इजी है बनाना। ये देखिए इस टाइप से हम इनके रिंग्स काट लेंगे। ऐसे लास्ट वाले में से हम इसको ऐसे थोड़ा सा अलग कर देंगे, इसको हम किसी और चीज के लिए यूज कर लेंगे। इस टाइप से हम इनके रिंग्स कर देंगे। ऐसे ही मैं दूसरी शिमला मिर्च का भी हूँ और 2 बड़ी शिमला मिर्च में हमारा ये पूरा पूरा मसाला बैठा है। जैसे इसमें आपको थोड़ा सा लूज लग रहा है, ये निकल सकता है मसाला, तो हम इसमें
थोड़ा सा मसाला ऊपर से फिल कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ये हमारे सारे रिंग्स तैयार हो गए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने, और ऐसे हम धीरे धीरे एक एक पीस ऐसे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको गरम करेंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च जले नहीं। ये देखिए इसी टाइप से हम सारे इसमें पैन में लगा देंगे, और गैस को सिम करके हम इसको ढक कर रख देंगे 1 और 2 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं हम, 1.5 मिनट हो गया है। इसको थोड़ा सा हम पलट के देखेंगे। हाँ ये अभी थोड़ा ब्राउन हुआ है क्योंकि हमने इसको सिम पे रखा है, तो एक बार हम इसको पलट देंगे, ऐसे सभी शिमला मिर्च को पलट देंगे। हमने सबको एक बार पलट लिया है और दोबारा से हम इसको 2-3 मिनट्स के लिए ढक कर रखेंगे। 2.5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको पलट के देखेंगे। यस, इधर से ब्राउन हो गया है, ये ब्राउन हो चुका है इधर से 2 मिनट के बाद, आप देख सकते हैं। और ये आलू भी बहुत क्रिस्पी लगने वाले हैं, ये देखिए टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, आपको बार बार जो फुल भरवा शिमला मिर्च होती है उसको हमें चेक करना पड़ता है, और जो बिगनर्स के लिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ, जो कोई भी शुरू में बना सकता है, उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी पूरी शिमला मिर्च गली या नहीं है, उसको कैसे पलटे हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ये शेयर करूँ आपके साथ। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, और आपको ये चेक करना है कि इसकी साइड सॉफ्ट हो गई है क्या। जैसे ही शिमला मिर्च की साइड सॉफ्ट हो जाएंगी आपकी ये शिमला मिर्च तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आलू को भुना हुआ है। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फिर से ढक कर रखेंगे सिम गैस के ऊपर। अब आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो गई है हमारी शिमला मिर्च, देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो रही है, दब रही है, यानी इट इज रेडी टू सर्व। कुछ क्रंची भी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत कम शिमला मिर्च इसमें आपके मुंह में आएगी, क्योंकि जो पूरी साबुत शिमला मिर्च बनाते हैं तो बहुत से लोग उसको शिमला मिर्च को छोड़ देते हैं और आलू निकालकर खा लेते हैं। तो ये क्रिस्पी आप कर लीजिएगा, चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो और टेस्टी लगेगी, आप देख सकते हैं। देखिए, और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, अब हम इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा धनिया लगा देंगे, एक एक पत्ती धनिया की रख देंगे। भाई मुझे तो देखने में बहुत टेस्टी लग रही हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बनाने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये शिमला मिर्च की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।